दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस उन्हें घसीटकर बाहर कर रही, जबकि उनकी साथी की आवाज़ भी आ रही है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये एक एमपी हैं, लोकसभा सदस्य हैं। ये भी दिखाई दे रहा है कि महुआ मोइत्रा मुर्दाबाद के नारे भी लगा रही हैं। दोस्तों, महुआ मोइत्रा उन गिने चुने सांसदों में से एक है जो संसद के अंदर से लेकर बाहर तक अपने बेबाक भरी अंदाज में मोदी सरकार को घेरती हैं और गरीबों की हक की आवाज़ बुलंद करती हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच मनरेगा फंड को लेकर खींचातानी जारी है। इसे ही लेकर तृणमूल संसद कृषि भवन में धरना पर बैठ गए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। महुआ मोइत्रा का ये वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है। खुद महुआ मोइत्रा ने अपना यह वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर पीएम मोदी पर भड़क गई और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा, सुनो, आप हमें बाहर खींच सकते हैं लेकिन सच्चाई दूर नहीं जाएगी। आपने अवैध रूप से पश्चिम बंगाल के हजारों करोड़ रुपयों को मनरेगा फंड से रोक दिया है, 2024 में भारत तुम्हें बाहर फेंक देगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार, मोदी सरकार निकम्मी और तानाशाही है। देश की जनता ने बड़े बड़े तानाशाहों को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया, ये हुकूमत भी जाएगी। आप क्या सोचते हैं, किसी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार करना क्या ठीक है? अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।